have recorded poor openings. Lal Singh Chadda movie dekhne ke liye aaye hain, sab uska bahishkar kijiye. A protest broke out at a mall in Jalandhar against this film, alleging that the film has hurt their religious sentiments. Agar maine kisi ka dil dukhaya hai kisi cheez se to mujhe us baat ka dukh hai aur main kisi ka dil nahi dukhana chahta hu. दोस्तों मूवी के रिलीज होते ही लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ कई लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी भी लगी। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि मूवी के बॉयकॉट होने का कारण नैरेटिव के खिलाफ जाने की वजह से हुआ है। दरअसल आमिर खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका क्या राय है देश के सिचुएशन के बारे में। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ने लग रही है। Sense of despondency, I would say. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that she fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. ये बात सुनकर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि देश हम चला रहे हैं, ऐसे कैसे कोई कह सकता है इंटॉलरेंस बढ़ रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, उनकी मूवी को भी बॉयकॉट कर दिया गया और उन्हें स्नैपडील की ब्रांड डील से भी निकाल दिया गया। ये बात बाद में जाकर पता चली। एक्स बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने बताया कि बीजेपी के आईटी सेल के चीफ ने अपने पूरे सोशल मीडिया सेल को कहा है कि एक नैरेटिव बनाओ आमिर खान के खिलाफ, ट्विटर ट्रेंड चलाओ। बात वहीं आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव है। गाइस, सिद्धू मूसेवाले ने अपने एक गाने में सही कहा था, नीट कंट्रोवर्सी की रेट मिलेगी, धर्मा दे नाम से डिबेट मिलेगी, सच बोलेगा तो मिलेगी 295, जे करेगा तरक्की बेटे हिट मिलेगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।